नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपनी इच्छा अनुसार जॉब कैसे प्राप्त हो, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बहुत से लोग जॉब करते तो हैं किंतु उन्हें जॉब में आनंद नहीं आ रहा होता, तो वहीं बहुत से लोगों को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती। और यह बात मैं पिछले काफ़ी समय से देख भी रहा हूं कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें अच्छी जॉब कब मिलेगी, क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं सत्य भी है कि हर एक व्यक्ति के मन में यही जिज्ञासा बनी रहती है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए जिसे प्राप्त कर मैं अपनी और अपने परिवार की लाइफ स्टाइल को बदल सकूं। और फिर बुरा तब लगता है जब बहुत अधिक प्रयासों के पश्चात भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती और ऐसे में व्यक्ति निराश होकर डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि पूर्ण विश्वास से आप करते हैं तो 2020 में आपको अपनी इच्छा अनुसार जॉब मिलकर रहेगी। मित्रों, यदि बहुत प्रयास करने के पश्चात भी आप अपनी इच्छा अनुसार जॉब नहीं ढूंढ पाए हैं तो आपको चाहिए कि नए साल में किसी भी मंगलवार से 21 दिन तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं पाठ करने से पहले चमेली का दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाएं और पाठ पूर्ण होने के पश्चात हनुमान जी से अपनी मनोकामना का ध्यान करें। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को कलयुग के अंदर प्रत्यक्ष देवों में से एक माना गया है और साथ ही इन्हें समस्त प्रकार के कष्टों का हारक देव भी बोला जाता है। ऐसे में यदि एकाग्रचित्त होकर आप अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने रखते हैं तो 100% आपकी मनोकामना होकर रहेगी पूर्ण। बात करें यदि दूसरे उपाय की तो यदि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी तो मिलती है किंतु इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जाकर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपको चाहिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं और रास्ते में यदि आपको कोई पीपल का वृक्ष दिखाई दे तो उस वृक्ष से एक साबुत पीपल का पत्ता तोड़ लें और इसे अपने सीधे पॉकेट के अंदर रखें और हनुमान जी को प्रणाम करकर इंटरव्यू देने जाएं, आपको अवश्य मिलकर रहेगी सफलता। इसी के साथ मित्रों, आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए घर से निकलें तो सदैव घर से निकलते समय सीधा पैर पहले आगे की तरफ रखें और इसी प्रकार इंटरव्यू ऑफिस के अंदर भी अपना सीधा पैर पहले आगे रखें। यह योग शास्त्र मान्यता अनुसार सफलता को दर्शाने वाला होता है। बात करें यदि तीसरे प्रयोग की तो यदि बार बार आपको जॉब से संबंधित समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना तो मित्रों, आपको चाहिए कि नए साल के अंदर किसी भी सोमवार से 11 दिन तक नित्य भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करें। इसी के साथ दूध में सफ़ेद तिल डालकर भगवान शिव को अर्पण करें और अपनी मनोकामना का एकाग्रचित्त होकर ध्यान करें। इसी के साथ संभवत हो तो 108 बार ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में अर्पण करें। बहुत शीघ्रता से होगी आपकी मनोकामना पूर्ण। इसी के साथ मित्रों, यदि आपके घर के आसपास कोई राधा गोविंद का मंदिर बना हुआ है तो मित्रों, आपको चाहिए कि नए साल के अंदर किसी भी एकादशी या पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण को बांसुरी और एक मोर पंख अवश्य चढ़ाएं और अपनी मनोकामना भगवान राधा कृष्ण के चरणों में अर्पण करें। आप देखेंगे कि बहुत शीघ्रता से आपको अपनी मनचाही जॉब अवश्य मिलकर रहेगी। बात करें यदि अगले उपाय की तो मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि गणपति को विघ्नहरण और मंगलकरण देव बताया गया है। ऐसे में नए साल के किसी भी बुधवार से 11 दिन तक नित्य यदि आप गणपति को दुर्वा अर्पण करते हैं और गणपति अथर्वशीर्ष या गणपति चालीसा का पाठ करते हुए अपने मनोरथ गणपति के चरणों में अर्पण करते हैं तो बहुत शीघ्रता से आपकी होती है मनोकामना पूर्ण। इसी के साथ मित्रों, शास्त्र मान्यता अनुसार यदि नौकरी से संबंधित आपको जीवन में देखने को मिल रही है समस्या तो आपको चाहिए कि नए साल में किसी भी दिन से 11 दिन तक नित्य गाय को गुड़ और चना खिलाएं तथा गौ माता को प्रणाम करकर अपनी मनोरथ का ध्यान करें। मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे कि गौ माता के अंदर 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है और यदि एकाग्र चित्तता से आप गौ माता की सेवा करते हैं तो बहुत शीघ्रता से होती है आपकी मनोकामना पूर्ण। और अंतिम उपाय जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बहुत ही सटीक उपाय बताया गया है वह है मित्रों, यदि पूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी आपको जॉब संबंधित समस्याओं से नहीं मिल रही है निजात तो आपको चाहिए कि नए साल के अंदर किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन हवा में उड़ते हुए हनुमान का एक चित्र लेकर आएं और उसे अपने पूजा स्थान के ऊपर स्थापित करें। 11 दिन तक नित्य हनुमान जी को प्रणाम कर गुड़ चने का भोग लगाएं और गुड़ चने का यह प्रसाद बच्चों में वितरित करें। यह प्रयोग करने पर बहुत शीघ्रता से मिलेगी आपको जीवन में सफलता। तो मित्रों, यह है वह महा उपाय जिन्हें शास्त्र मान्यता अनुसार नौकरी संबंधित समस्याओं के समय पर किया जाए तो 100% देखने को मिलती है सफलता। यहां मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूं कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आप यह उपाय करें। मेरा विश्वास है कि बहुत शीघ्रता से आपको सफलता मिलकर रहेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नव वर्ष में महालक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।